सो हाय गाइस, तो मित्रों और मित्रनियो 11 जनवरी आने वाला है और अपने गेम के अंदर अपडेट भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप लोग को न्यू गोल्ड रॉयल भी गेम के अंदर नजर आएगा। और इसीलिए गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में, बिकॉज अपना जो गोल्ड रॉयल का बंडल है वो बिल्कुल 100% कन्फर्म्ड हो गया है। और मैं आज के इस वीडियो के अंदर उस बंडल का रिव्यू कराऊंगा जो कि आप सभी को नेक्स्ट में गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी बंडल मेल का है या फिर फीमेल का है और देखने में कैसा है, ये सब कुछ आप लोग को वीडियो के अंदर आगे पता चल जाएगा। एंड साथ में गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं OB38 अपडेट के ऊपर। उसके अकॉर्डिंग काफी सारे लीक्स मेरे हाथ में लगा है, जैसे कि गेम के अंदर बहुत सारे न्यू इमोट आने वाले हैं, न्यू गुलवल सब लोगों को देखने को मिलेंगे, तो मैं आज के इस वीडियो के अंदर उसका भी रिव्यू कराऊंगा। बाकी इसी के साथ में गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने फेवरेट मंथ बुइया पास के बारे में। आप सभी को फेवरेट मंथ बुइया पास के अंदर क्या कुछ आइटम्स देखने को मिलने वाले हैं, मैं आज के इस वीडियो के अंदर उसके भी रिव्यू दूंगा। एंड साथ में बात करने वाले हैं टू नाइट अपडेट के बारे में, कल सुबह गेम के अंदर क्या कुछ इवेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसलिए गाइस देखो, वीडियो के अंदर छेड़खानी ना करके, मतलब वीडियो को स्किप वगैरह ना करके बिल्कुल आखिर तक देख लीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्री का चीज है, कर देना जरूर। तो आओ गाइस, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हर बार की तरह टू नाइट अपडेट के बारे में। असल में कल सुबह आप लोग को अपने एंजेली की थीम पे एक नया टोकनदार इवेंट देखने को मिलेंगे। सो आप लोग गाइस, यहां पर जो टोकनदार इवेंट का रिव्यू देख पा रहे हो, बेसिकली इसके अंदर आपको एंजेली की थीम पे दो पैंट्स मिलने वाले हैं, जो कि येलो एंजेली पैंट है, एक मेल का और दूसरा फीमेल का। एंड साथ ही में गाइस देखो, एंजेली की थीम पे और भी जितने सारे आइटम्स को डिजाइन किया गया था, वो सारे के सारे आइटम आप लोग को इसी वाले टोकनदार इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको एक मेल का बंडल मिलेंगे जो कि बहुत ही कमाल का देखने में लगता है। वैसे सिर्फ ऐसा बोलने में ही अच्छा लगता है, क्योंकि भाई बंडल के पीछे से आप लोगों को विंग्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जिसलिए बंडल बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है मुझे तो। खैर जो भी हो, बाकी जो यहाँ पर गाइस आइटम्स मिलता है, योलो एंजेलिक पैंट दिया गया है, कुछ स्कार्प वगैरह मिलता है आपको एंजेलिक के थीम पे, और साथ में गाइस आपको यहाँ पर मिलता है कुछ और भी रिवॉर्ड्स जो कि स्पिन करने पर धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। और यही वाला टोकन डार इवेंट कल सुबह अपने गेम के अंदर आएगा। वैसे देखो, अगर आप लोग एक चीज को गौर से देख रहे होंगे कि ब्लू एंजेलिक पैंट और साथ में रेड एंजेलिक पैंट, तो भाई देखो इन दोनों एंजेलिक पैंट को इस वाले इवेंट के अंदर दिया नहीं गया है। और अभी तक अपने गेम में जितने भी इवेंट्स वगैरह आया है एंजेलिक की थीम पे, उन सारे इवेंट के अंदर कहीं पर भी रेड एंजेलिक पैंट और ब्लू एंजेलिक पैंट तो दिया नहीं गया है। लेकिन गाइस देखो, अगर यहीं पर हम बात करें बीडी सर्वर की, तो भाई बांग्लादेश सर्वर के अंदर आज सुबह ही एंजेलिक पैंट को दिया गया है, और वो भी ब्लू एंजेलिक पैंट भी है, साथ में रेड एंजेलिक पैंट भी है। तो अब क्या पता करने वाले रेड एंजेलिक और ब्लू एंजेलिक के लिए कुछ अलग सा इवेंट डिजाइन करे, वहां पर भी डायमंड लगाना पड़ेगा। तो करने वाले को इससे थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिलेगा, बंदे दो जगह पर डायमंड वगैरह लगाएंगे तो भाई करने वाले को थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए हो सकता है कि भाई करने वाले एंजेलिक पैंट के लिए कुछ अलग सा इवेंट डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन देखो, और आप लोग स्पिन वगैरह मत करना, मैं सामने से जो भी स्कैम होने वाला है वो आपको पहले ही बता दिया हूँ। अगर इसके बाद भी आप लोग स्पिन करना चाहते हो तो आप ही का लॉस है, बाकी यार देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। बाकी आओ गाइस, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करने वाले हैं अपने OB38 अपडेट के बारे में। गाइस को यहाँ पर OB38 अपडेट की थीम पे गर्ना वालों ने एक नया ट्रेलर को लॉन्च किया है, और ये जो ट्रेलर है बेसिकली इसके अंदर आपको एक मेल का बंडल दिखेंगे, साथ में एक वुड पिकर का गन स्किन नजर आएगा। सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पर बंडल देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आप लोग को रेड एंड ब्लैक कलर में एक बंडल देखने को मिलने वाले है। उसके बाद गाइस आप लोग को कुछ इस तरीके से एक नया वुड पिकर का गन स्किन देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ पर मैं एक चीज कंफर्म कर दूं, सिर्फ एक वुड पिकर का गन स्किन नहीं बल्कि चार वुड पिकर गन स्किन अपने गेम के अंदर आने वाले है। हो सकता है आप लोग को नेक्स्ट में इनक्यूबेटर के अंदर देखने को मिलेंगे। मैं सही बताऊं तो ये बात ऑलरेडी 95% कंफर्म्ड भी है कि आप सबको नेक्स्ट में अपने गेम के अंदर वुड पिकर का इनक्यूबेटर देखने को मिलने वाले है। अब अगर करने वाले इसको वुड पिकर को अपने इनक्यूबेटर के अंदर नहीं मिलाते तो किसी ना किसी वेब इवेंट के अंदर आप सबको दे सकते हैं। खैर यहाँ पर चार स्किन का आपको मैं रिव्यू करा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो, बेसिकली यहाँ पर आपको मैं तीन वुड पिकर गन स्किन का रिव्यू कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास चारों स्किन का रिव्यू नहीं है, बस यहाँ पर तीन स्किन का थोड़ा सा लुक है कि भाई ये देखने में कैसा होने वाला है। हालांकि वुड पिकर का इनक्यूबेटर काफी जबरदस्त होगा, बिकॉज वुड पिकर गन का क्रेज भी है और मैं पर्सनली वुड पिकर को चलाते भी हूँ गेम के अंदर, क्योंकि इससे हेडशॉट मारने में जो मजा आता है और दूसरे किसी गन में नहीं आता। मैं सही बताऊं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बाकी देखो, हर किसी का अलग अलग पसंद होता है गेम के अंदर, कोई अलग अलग गन स्किन चलाता है तो जिनको जो पसंद है वो चलाता है, लेकिन वुड पिकर गन स्किन मुझे तो काफी बढ़िया लगता है। तो इसलिए गाइस देखो, अगर करने वाले अपने वुड पिकर गन स्किन को अपने इनक्यूबेटर के लिए ही डिजाइन किया है तो भाई ये फैसला करने वाले का थोड़ा सा सही है। और मैं बताऊंगा करने वाले ने आंख खोल का थोड़ा सा इसको डिजाइन किया है। फिलहाल आप लोग भी चाहते हो, गेम के अंदर जितने सारे कांड वगैरह चल रहा है वो मुझे लगता नहीं कि करने वालों ने आंख खोल कर बनाया होगा। इवोल्यूशन G18 आने जा रहा है, कैरेक्टर अपने आप में गायब हो जाएगा, तो ये सारे सिस्टम है जो कि जादूगर बना रहे गेम को। खैर आगे जाके अपने वुड पिकर के ऊपर जो भी कुछ अपडेट्स वगैरह मिलेगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि ये इनक्यूबेटर के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आओ गाइस, यहां पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करने वाले हैं अपने फेवरेट मंथ बुइये पास के बारे में। गाइस को यहां पर आप लोग को अपने फेवरेट मंथ बुइये पास का कुछ आइटम्स वगैरह दिखा रहा हूं, और इसका जो रिव्यू है गाइस, रिव्यू आएगा OB38 अपडेट के बाद। इसलिए अगर आप सभी को इसका फुल रिव्यू देखना है तो भाई OB38 अपडेट तक आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। बाकी गाइस, ये जो बुइये पास आने वाला है ये आएगा एलिगेटर थीम पे, और ये सच कोकोडाइल का कोई जुड़वा भाई होगा, मतलब कोकोडाइल की तरह एक एनिमल है, और उसी के थीम पे नेक्स्ट आप लोग को बुइये पास गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप लोग भी जानते हो, जितना जीव जंतु परंतु मतलब जू में नहीं मिलते, उतना जीव जंतु परंतु अपने फ्री फायर में आ जाते हैं, कभी पेट के रूप में तो कभी किसी
से आइटम्स के रूप में। खैर ये सब चर्चा होते रहेगा। बाकी बात करते हैं कुछ न्यू ग्लूअल्स के बारे में जो कि ओबी 38 अपडेट के बाद गेम के अंदर आएंगे। कुछ यहाँ पर आपको मैं न्यू ग्लूअल दिख रहा हूँ, इनमें से एक ग्लूअल तो आप लोग को बुइया पास के अंदर ही मिल जाएंगे और बाकी जो ग्लूअल है उनमें शायद एक आप लोग को टॉप एंड के अंदर मिलेंगे। बाकी गाइस को ग्लूअल तो भाई बहुत सारा है, तो धीरे धीरे करके अपने गेम के अंदर ग्लूअल्स वगैरह आने वाले हैं। और इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर कुछ और न्यू इमोट वगैरह देख पा रहे हो जो कि अपने गेम के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। बाकी गाइस को इनमें से ज्यादातर इमोट जो कि आने वाले अपने वैलेंटाइन इवेंट के चलते, क्योंकि इस बार का वैलेंटाइन का जो इवेंट है वो थोड़ा सा बड़ा इवेंट है और इस बार आप लोग को वैलेंटाइन इवेंट के चलते कुछ फ्री में रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और साथ में बहुत सारे अपकमिंग अपने गेम के अंदर न्यू इमोट्स वगैरह आने वाले हैं। वैसे गाइस यहाँ पर आप सभी कुछ कमेंट वगैरह होता है अपने रोज इमोट को लेकर कि सनी भाई गेम के अंदर रोज इमोट कब तक आएगा और साथ में अपना जो आई हार्ट वाला इमोट था जो कि अपने सामने एक दिल फेंकता है तो वो सब कब तक आने वाले हैं। ये जो आई हार्ट वाला इमोट है, रोज इमोट है, ये सब आप लोगों को अपने वैलेंटाइन इवेंट के चलते गेम के अंदर बैक देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब इमोट्स वैलेंटाइन के लिए ही डिजाइन किया गया था और जैसे गेम के अंदर वैलेंटाइन का इवेंट आएगा इसको भी बैक कर दिया जाएगा। वैसे देखो यहाँ पर मैं एक चीज कंफर्म कर दूंगा, इस बार का जो वैलेंटाइन इवेंट है ये थोड़ा पहले से अपने गेम के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि फरवरी मंथ के 5-6 तारीख को ही वैलेंटाइन का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बार का जो इवेंट है ये थोड़ा सा बड़ा इवेंट है जिसलिए करने वाले को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सारे इवेंट को मिशन वगैरह कंप्लीट करके फ्री रिवॉर्ड एक्सचेंज करने के लिए, भाई गेम में थोड़ा सा इवेंट जल्दी आ जाएगा। बाकी यार आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करने वाले हैं नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में। अब गाइस को इस टाइम पे अपने गेम के अंदर चल रहा है मेल का बंडल अपने गोल्ड रॉयल के अंदर, जो कि एक ओल्ड बंडल था गेम के अंदर दिया गया है, इसलिए गाइस देखो आप सबको नेक्स्ट में अपने गेम के अंदर फीमेल का बंडल गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये बात तो गाइस आप सबको मैं कल के दिन ही कंफर्म कर देता कि भाई देखो आप सबको इस बार गेम के अंदर कुछ न्यू बंडल अपने गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सो यहां पर गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बेसिकली यही वाला बंडल आप सबको नेक्स्ट में अपने गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आप लोग को पिंक कलर में देखने को मिलेंगे, बिकॉज आप लोग भी जानते हो अपने फरवरी मंथ पे गेम के अंदर अपडेट आएगा नहीं, जिस वजह से गराना वालों ने भी यहां पर जो बंडल अपने गोल्ड रॉयल के अंदर देने वाला है वो भी अपने पिंक डायमंड के थीम पे बेस्ट कर दिया, ताकि भाई ये भी थोड़ा सा वैलेंटाइन के थीम पे ही लगे। और आपको मैं कुछ टाइम पहले ही बताया हूं कि इस बार का वैलेंटाइन इवेंट बहुत ही बड़ा है, जिसलिए करने वाले यहाँ पर गोल्ड रॉयल को भी वैलेंटाइन इवेंट के थीम पे डिजाइन कर दिया है। इस बात से आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार का वैलेंटाइन इवेंट कितना शानदार तरीके से गेम के अंदर आएगा। बाकी यहाँ पर गाइस मैं नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल का रिव्यू करा दिया हूं, जो कि आप लोग को फीमेल का बंडल पिंक कलर में देखने को मिलने वाले है। तो गाइस कैसा लगा आप सभी को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का बंडल, कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। वैसे देखो अगर यहाँ पर मेल का बंडल अपने गोल्ड रॉयल के अंदर आता तो भाई थोड़ा सा बेहतर होता, लेकिन भाई देखो पिछले बार जब की मेल का बंडल आया था तो इस बार आप लोग को फीमेल का बंडल ही गोल्ड रॉयल के अंदर दिया जा रहा है। लेकिन जो भी देखो इस बार का जो गोल्ड रॉयल बंडल है वो मुझे तो देखने में फिर भी सही लगा है दूसरे बार के मुकाबले। खैर अब बात करते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्ले के बारे में। तो बात करते हैं फर्स्ट कमेंट के बारे में, सनी भाई ट्रॉपिकल पैरेट और साथ में अपना जो इवोल्यूशन स्कर है वो कब तक आएगा, विंटर उस इवेंट कब आएगा एंड साथ में विंटर लैंड का M177 स्किन कब आने वाला है। अब गाइस देखो यहां पर अपना इवोल्यूशन स्कर और विंटर उस इवेंट शायद अभी के टाइम पे अपने गेम के अंदर आप लोग को देखने को नहीं मिलने वाले हैं। एंड यहां पर हम बात करें ट्रॉपिकल पैरेट और विंटर लैंड M177 स्किन का, तो भाई ये अभी के टाइम पे गेम के अंदर आ सकता है, जिनमें विंटर लैंड M177 का चांसेस ज्यादा है, ट्रॉपिकल पैरेट का थोड़ा सा कम। सो आओ गाइस नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं, सनी भाई गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ कब देखने को मिलेंगे और अपना जो ब्लू एंजेलिक पैंट है रेड एंजेलिक पैंट है वो कब तक आने वाला है। गाइस को मैं रेड एंजेलिक पैंट ब्लू एंजेलिक पैंट के ऊपर आज ही इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी अपडेट दे दिया हूं। बाकी बात करें गिफ्ट स्टोर डिस्काउंट इवेंट, तो गाइस को इस टाइम पे आप लोगों को गेम के अंदर गिफ्ट स्टोर में डिस्काउंट देखने को नहीं मिलने वाले हैं, जब कुछ बड़ा इवेंट गेम के अंदर आएगा उस टाइम पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अगला कमेंट देख लेते हैं जो कि ये था कि इवोल्यूशन AK कब आने वाला है एंड EMP का इंक्यूबेटर कब तक आएगा। बेसिकली गाइस को ये दोनों आइटम ही ऑलरेडी बाहर के सर्वर के अंदर आना स्टार्ट हो गया है एंड गाइस यहां पर इवोल्यूशन AK ऑलरेडी अपने BD सर्वर के अंदर बैक आ गया है, इसलिए इवोल्यूशन AK गेम के अंदर आने का चांस काफी ज्यादा है। बाकी यहां पर बात करें EMP इंक्यूबेटर का, तो यहां पर गाइस देखो सिर्फ EMP का इंक्यूबेटर गेम के अंदर आएगा अकेला, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर 3-in-1 इंक्यूबेटर करने वाले गेम के अंदर देते हैं तो वहां पर आप लोग को या तो EMP का इंक्यूबेटर या फिर आप लोग को पोका रिमी बोटी का इंक्यूबेटर देखने को बैक मिल सकता है। हालांकि गाइस ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ये अभी सकता है और नहीं भी। बाकी मेरा वीडियो आज का यहीं तक था, अगर आप लोग को बढ़िया लगा है तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं कल शाम को और एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।